राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हमारी जिंदगी में एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा पर्सन है जो हमें सच्चाई से रूबरू करने में घबराता नहीं है। वो कभी नहीं सोचता कि यदि मैंने इनको सच बता दिया तो ये क्या सोचेंगे। वो कभी ये नहीं सोचता कि यदि मैंने इनको सच्चाई बता दी तो ये मुझसे नाराज हो जाएंगे। आप जानते हैं? हाँ, आप जानते हैं वो कौन है दोस्तों। वो है हमारा आईना। जो हमारा आईना होता है वो हमारे यथावत प्रतिबिंब से हमें मिलाता है। जैसा हम दिखते हैं बिल्कुल वैसा ही आईने में नजर आते हैं। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ हमारे बदलते चेहरे को भी दिखाने में आईना कतराता नहीं है। उसे एक बार भी नहीं लगता कि मैं इनको इस सच्चाई से कैसे अवगत कराऊं। आईना हमारा एक बहुत बड़ा दोस्त है, एक बहुत बड़ा साथी है, हमारी सच्चाई का गवाह है आईना। इसीलिए तो आईना पर बहुत सारे शायर्स ने बड़ी बड़ी शायरी लिखी है। तरस गए आपके दीदार को, दिल फिर भी आपका इंतजार करता है। तरस गए आपके दीदार को, दिल फिर भी आपका इंतजार करता है। हमसे अच्छा तो आपके घर का आईना है जो हर रोज आपका दीदार करता है। दोस्तों, आईना ना केवल हमें अपनी सच्चाई से अवगत कराता है, पर आईना में हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम हमारे घर के अंदर आईना लगाते हैं कहीं पर। क्योंकि यदि गलती से भी गलत डायरेक्शन में हमने आईना लगा दिया तो हमें काफ़ी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ, हो सकता है आप लोगों के यहाँ गलत डायरेक्शन में लगा हुआ हो आईना और आप नुकसान झेल रहे हो, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग कि आप उस नुकसान को झेल रहे हैं। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा हो। तो सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है, ये जो आईना होता है, जो मिरर होता है, ये कभी भी साउथ की वॉल पर, वेस्ट की वॉल पर, नैऋत्य कोण में या वायव्य कोण में ना लगाएं। साउथ की वॉल, वेस्ट की वॉल, साउथ वेस्ट कॉर्नर एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, इस पर आईना हरगिज ना लगाएं दोस्तों। आईना गहराई को शो करता है और ये जो मैंने आपको चार दिशाएं बताई हैं, ये ऊंचाई पर होनी चाहिए। यदि आपने इन दिशाओं में आईना लगा दिया तो ये गहराई पर चली जाएंगी और आपके घर में वास्तु दोष हो जाएगा। यदि आपने लगा रखा है, आप उस आईने को हटा नहीं सकते हैं, तो परेशान मत होइए, उस आईने को ढक दीजिए, उस पर न्यूज़पेपर लगा दीजिए या उस पर कपड़ा लगा कर रखिए। जितनी देर आपको यूज़ करना है उतनी देर के लिए उस पर से कपड़ा हटा दीजिए और नहीं तो उसके ऊपर वापस कपड़ा लगा दीजिए। दोस्तों, आईना कभी भी बेड के सामने नहीं होना चाहिए। हमारे बेड के सामने कभी भी आईना मत लगाइए। उसमें जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण जो भी उस बेड पर सोते हैं उनमें लड़ाई चलती है, सारे दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और जो मैं बता रही हूँ, केवल आईना ही मीन्स मिरर, केवल मिरर ही नहीं, जैसे कि घड़ी है, वॉल क्लॉक है, टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इन सबको भी ध्यान रखें कि वो उस तरफ उन दीवारों पर ना लगाए जाएं। आप इनको लगाइए तो ईस्ट की वॉल पर लगाइए या नॉर्थ की वॉल पर लगाइए या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। क्या होता है दोस्तों, उस वॉल पर लगाने से उस तरफ का एरिया गहराई में चला जाता है और ये उनको रिफ्लेक्ट करके हायर कर देता है अपोजिट डायरेक्शंस को। तो दोस्तों, इन बातों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आप कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि अचानक से हमारे घर में विंडो पेन, जो हमारी खिड़कियों के जो में जो कांच लगा होता है वो, या कांच का गिलास या मिरर इटसेल्फ अचानक से चटक कर टूट जाता है, तो ये तो एक बहुत अच्छा साइन होता है। इससे ये पता लगता है कि कोई मुसीबत आपके घर पर आ रही थी जो उस शीशे ने झेल ली। पर ऐसे टूटे हुए शीशे को, जो भी ऐसे टूटता है उसको तुरंत
निकाल कर घर से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि जिस नेगेटिव एनर्जी के कारण उसमें वो दरार आई है, वो टूट गया है, फिर वो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रोलॉन्ग नहीं करनी चाहिए। इसलिए ऐसे मिरर्स को, ऐसे ग्लासेस को तुरंत निकाल कर घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं, ये हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए हैं, हमारे जो लड़ाई झगड़े होते हैं उन सबको कम करने के लिए ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मिरर लगाते समय इन बातों का ध्यान रखिए। बाय चांस आपके घर में मिरर उन जगहों पर नहीं है तो परेशान मत हुआ करिए। हर समस्या का एक सॉल्यूशन होता है, बस इसका यही सॉल्यूशन है कि आप इसको कवर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय।